नमस्कार मिस्टरों, स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। एशिया के सबसे बड़े कागज उत्पादक कारखाने के तौर पर पहचाने जाने वाले नेपानगर में हर वर्ष की तरह इस साल भी 26 अप्रैल को नेपाल लिमिटेड की स्थापना डे मनाया गया। इस अवसर पर नेपाल लिमिटेड के महाप्रबंधक सौरभ देव सिंह ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में नेपाल लिमिटेड सीएमडी द्वारा नेपा मिल के उत्पादक सहित मिल को भी फिर से शुरू करने में आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सौरभ देव ने बाजार में बढ़ते कच्चे माल की कीमत सहित कोयले की कमी को भी सबसे बड़ी परेशानी बताया। नेपानगर में स्थित नेपाल लिमिटेड एशिया के सबसे बड़े कागज उत्पादक के तौर पर कारखाने के रूप में जानी जाती है, जो लगभग एक दशक से आर्थिक तंगी की मार झेल रही थी। नमस्कार, नेपाल लिमिटेड की तरफ से नेपाल दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको। आप इधर आए, आपका जो प्रश्न है, हाँ, चुनौती तो है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, केमिकल्स, फ्यूल, सबका कॉस्ट बढ़ चुका है, लेकिन ये चुनौती हम ये चैलेंजेस जो भी है हम फेस करेंगे और मुझे आशा है कि थर्ड वीक ऑफ मई पॉजिटिवली हम इनॉग्रेशन करेंगे इस मिल के और जो भारत सरकार हमारे ऊपर जो भी भरोसा किया हुआ है वो हम वी विल स्टैंड बाय इट एंड आपका जो फेथ रहा है आप सबका और इस एरिया का, इस डिस्ट्रिक्ट का जो भी लोग हैं, जो फेथ है वो हम वी विल फुलफिल इट। बुरहानपुर में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में पुलिस द्वारा पूरे जिले में एक साथ कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव और जिले के सभी थाना प्रभारियों ने दलबल के साथ छानबीन की। कॉम्बिंग गश्त के तहत शहर के संवेदनशील स्थानों पर धार्मिक स्थलों की चेकिंग के साथ साथ थाने की गिरफ्तारी और स्थायी वारंटियों की सर्चिंग की गई। सभी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा लगभग 50 से ज्यादा वारंटियों की तलाश की गई। खानिया थाना के मायापुर थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ा है, साथ ही पुलिस ने चार बाइकों को बरामद किया है। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एमपी राजेश सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में पुलिस पूरी तरह प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मायापुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोर धार्ष मंदिर से कटेसरा गांव के लिए निकलने वाला है। थाना प्रभारी हरिशंकर शर्मा ने मई पुलिस बल के साथ तत्काल राजापुर बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाकर चोर को एक चोरी की बाइक के साथ साथ धर दबोचा और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हमारे यहाँ आज सुबह एक मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट हुई थी, बहादुर बघेल दतिया का है, जो अपने इधर काम से आया था। इसकी मोटरसाइकिल दो तीन दिन पहले चोरी हो गई थी, उसमें हमारी टीम उसकी पतारसी में लगी थी। आज जानकारी मिली कि चोर उस चोरी की मोटरसाइकिल से धार माधो की तरफ से कड़ेसरा गांव की तरफ से निकलने वाला है। चेकिंग लगाकर उसको पकड़ा और वो चोरी की मोटरसाइकिल उससे बरामद हुई है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत।